Good morning guys, welcome to the vlog. सुबह की बज रहे हैं 11। भैया सासू माम का फ़ोन आया, उन्होंने उठाया। रात को सोते सोते बहुत लेट हो गया था। एंड चलो पापा आ चुके हैं, दैट्स वन गुड न्यूज़। आई एक्चुअली होप ही इज रेस्टिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। फटाफट क्लाइंट से फ़ोन करके पता करते हैं भैया क्या सीन है, मुंद्रा जाना है या नहीं जाना है, उस हिसाब से सारी प्लानिंग करते हैं। नहीं जाना है तो फटाफट वॉशिंग मशीन लगा के और जितने अपने कपड़े धो के रख देंगे, क्योंकि ये बनियान वनियान पहन के घर में नहीं बैठ सकते। प्लांट से पानी डाल दिया, चाय पानी नाश्ता कर लिया, स्वीटी को घुमाने ले गए और गरिमा के साथ बहुत सारी मस्ती करी। अब प्रॉब्लम यह है, पावर चला गया एंड पावर काफ़ी देर से गया हुआ है, अगर मैं गलत नहीं तो ऑलमोस्ट एक घंटा होने को आया। एंड क्या बोले यार, कुछ प्लान आउट करो एंड दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग ऑन अ डेली बेसिस। पावर कट हो जाते हैं, लंबे लंबे पावर कट्स हो रहे हैं, बेसिकली पूरा का पूरा प्लानिंग चौपट ही हो रहा है। कल पूरा दिन हमारा घर से बाहर नहीं निकल पाए थे क्योंकि फर्स्ट हाफ में पावर कट हो गया था एंड उसके हिसाब से हम लोग कुछ प्रॉपर सॉर्टिंग ऑफ वर्क नहीं कर सके थे। अभी ये हुआ है, सोचा था वॉशिंग मशीन लगा दूंगा, इट्स ऑलमोस्ट 1 आवर, देर इज़ नो पावर। क्या बोले, फिर वही होगा, हम जाएंगे शर्मा से सामान ले आएंगे, दोपहर को बैठे रह जाएंगे घर में, कुछ नहीं कर पाएंगे, जबकि मार्केट में काम निपटाना है, कंप्यूटर रिलेटेड वर्क बहुत सारा, रिपोर्ट्स बहुत सारी बनानी है, ऐसे ही चल रहा है। हम वी आर सपोज टू वर्क दिस वे यार। अभी सुबह मम्मी ने पानी चढ़ा दिया था, ठीक है, नहाना धोना कर लिया, प्लांट से पानी डाल दिया, अब फिर से पावर नहीं है। अब क्या गारंटी ऊपर पानी हो गया ना हो, दिस इज़ हैपनिंग ऑलमोस्ट एवरी डे एंड द वर्स्ट थिंग इज दैट इसके ऊपर किसी को कुछ बोल नहीं सकता एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ऑन अ नॉर्मल डे PGVCL की वेबसाइट में हम लोग एक कंप्लेंट डाल सकते थे दैट दिस इज़ हैपनिंग, लेकिन अभी तो क्या है, हमको पता है भैया तूफान आके गया, ये कॉमन एक्सक्यूज़ होगा जो PGVCL वाले रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं, भाई तूफान आया, खंभे गिर गए, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड दे आर डूइंग अ बैंग ऑन जॉब, दूसरे तीसरे दिन पावर वापस आ गया था तूफान जाने के, बट एट द सेम टाइम कंसिस्टेंसी है ही नहीं। कसम से बोल रहा हूँ, अगर मैं 365 दिन घर में रहता ना, तो जिस दिन पावर कट हो रहा है, जितने बजे तक, मैं वो नोट करके बाकायदा इनकी ऑफिशियल हैंडल के ऊपर पोस्ट करता कि ये एरिया में दिस इज़ हाउ, ये आपके स्टैटिस्टिक्स हैं, पावर कट इतना ज़्यादा होता है। पता नहीं व्हाई दे आर नॉट एम्फसाइजिंग कंसिस्टेंट पावर सप्लाई इन दिस एरिया इन गलपादर, आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न। कसम से बोल रहा हूँ, जब से गाड़ी ली है ना, पहली बार इतना बुरा सिचुएशन हुआ है फ्यूल वाइज। जब तक 50 किलोमीटर की रेंज आ जाती है तब हमेशा मैं डीजल डलवा लेता हूँ कार में, बट दिस टाइम भैया स्थिति बिगड़ गई यार, सच्ची बोल रहा हूँ। पहले जा रहे हैं पेट्रोल पंप, डीजल डलवाते हैं और फिर जाएंगे शर्मा, सामान ला के दे देते हैं फैमिली को और फिर देखते हैं भाई क्या सीन बैठता है। बिना एसी की गाड़ी चलानी पड़ रही है, फटी पड़ी है यार, इतनी गर्मी पड़ रही है गाड़ी के अंदर, क्या बोलूं। ओ भाई फाइनली डीजल डलवाया और एसी ऑन किया, बाप रे यार क्या गर्मी पड़ रही है, कैश भी भरवा दिया। भाई सामान ले लिया है शर्मा से और हम निकल रहे हैं घर के लिए, टाइम हो रहा है दोपहर के 1:30। मार्केट निकलने का प्लान बनेगा, मोस्ट प्रोबेबली मिसेज माइट ज्वाइन भाई, उनको कुछ भी करके आज रिलायंस जाना ही है, शी नीड्स टू गेट सर्टन थिंग्स फ्रॉम रिलायंस विच इंक्लूड्स आवर हेल्थी ब्रेकफास्ट, वो आ नहीं रहा है। आई वॉज टेलिंग हर भैया हम चले जाए रिलायंस में, फिर बाद में उधर अगर वो बोलते हैं भाई कार्ड पेमेंट नहीं चलेगा या गूगल पे नहीं चलेगा तो खामा खा यू नो सारा सामान छोड़ के आना पड़ेगा, बिकॉज वी आर नॉट कैरिंग दैट सॉर्ट ऑफ कैश एनी टाइम विद अस, बट नाउ शी इज़ लाइक यार अब तो अत्ती हो गई, अब तो जाना ही पड़ेगा, तो शायद तक दोपहर के बाद हम लोग निकलेंगे मार्केट के लिए। और अगर हम नहीं भी निकलते हैं तो मुझे तो जाना ही है, लाइक आई सेड
मुझे अपना आधार अपडेट करवाना है एंड मेरा आधार अपडेट होगा तो मेरी लड़की का आधार बनेगा एंड आई नीड टू सबमिट दैट इन आवर स्कूल एनी हाउ इमीडिएटली दैट टू तो दोपहर की बात तो जाना ही पड़ जाएगा। तूने गाड़ी खोली तूने देखा नहीं? मैं तो सामान रख के आ गई थी। टाइम हो रहा है दोपहर के 3:30। खाना पीना करके अब हम निकल रहे हैं मुंद्रा के लिए। हमारा जो काम 2-3 दिन से लटक रहा था फाइनली उसका कंफर्मेशन आ गया। अब दौड़ते हुए जाएंगे और रात काली करके आएंगे। हम लोग परागपुर वाला रूट नहीं ले रहे हैं बिकॉज परागपुर से सीधा अडानी का नॉर्थ गेट लगता है एंड वी आर नॉट टेकिंग दैट रूट फॉर द वेरी सिंपल रीज़न। साइक्लोन बिपरजॉय के बाद बहुत ज़्यादा कंजेशन हुआ है एंड बिकॉज ऑफ दैट अडानी पोर्ट जो है क्या बोले वहाँ पे ट्रक्स का ट्रैफिक जो है नॉर्थ गेट पे बहुत बड़ा। डेज बैक जब मैं और मेरे पापा नॉर्थ गेट से एग्जिट मार रहे थे तो वी वर आस्ड टू गो इनसाइड द पोर्ट अगेन एंड टेक द ईस्ट गेट। हम लोग को वापस से पोर्ट के अंदर एंटर होना पड़ा था एंड ईस्ट गेट से हम लोग बाहर निकले थे क्योंकि नॉर्थ गेट में बहुत ज़्यादा कंजेशन हुआ अपना था। सो जब तक अब कन्फर्म नहीं होता कि भैया वो कंजेशन सॉर्ट आउट हो गया है हम लोग के लिए अब रूट यही रहेगा। हम मोखा से टूवर्ड्स लेफ्ट ले लिया करेंगे। ये वाला जो रूट है ये छोटे छोटे गांव के थ्रू होते हुए हमको मुंद्रा सिटी पहुंचाता है एंड फ्रॉम मुंद्रा सिटी ईस्ट गेट। एंड इससे क्या होता है कि ट्रक का ट्रैफिक तो बचता ही है बट एट द सेम टाइम अब जिधर मुझे जाना है ये जो गेट रहेगा ईस्ट गेट दिस विल हेल्प अस रीच टू दैट लोकेशन अर्लियर। अभी अगर मैं नॉर्थ गेट से जाता हूँ तो मुझे पूरा पोर्ट के अंदर घूमना पड़ेगा अपनी लोकेशन पर पहुँचने के लिए। सो यस नो डाउट थोड़ा लंबा घूमना पड़ रहा है लेकिन स्पीड लिमिट और वो सब वाले कोई प्रॉब्लम्स तो है नहीं तो चलो कोई ना यार चलता है क्योंकि पोर्ट के अंदर आप ज़्यादा गाड़ी घुमाना यू नो भैया 40-60 की स्पीड भी मेंटेन करो एंड एट द सेम टाइम वी आर लाइक अरे शूटिंग वोटिंग कुछ कर नहीं सकते पोर्ट के अंदर। जो कर लेते हैं भाई वो थोड़ा रिस्क वाला काम है नहीं करना चाहिए। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि यार थोड़ा कम ही कर देता हूँ उसको। बाकी दैट्स अबाउट इट। We should be there in our location in next half an hour. Time अभी हो रहा है 4:10, 4:45 के बीच में अपन को बोट के अंदर पहुंच जाना चाहिए। यार एक बात तो माननी पड़ेगी बोलेरो नियो जो है वो गाड़ी लेके मैं कैसे भी रोड पे उतर जाऊँ ना मुझे कोई टेंशन नहीं होगा। लाइक रोड हो या ना हो फ्रेंकली स्पीकिंग डर नहीं लगता क्योंकि भैया ग्राउंड क्लियरेंस अपनी जगह और बॉडी ऑन फ्रेम व्हीकल है सो यू नो यू आर इन कंट्रोल ऑफ दैट व्हीकल एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन एक्सयूवी 300 का जब स्टीयरिंग पकड़ो और इस गाड़ी में बैठो जब एक्सेलरेटर दो सो एक घंटे का रास्ता जो होता है उसको आप आधे घंटे में भी पूरा कर सकते हो आप उसे 45 मिनट में पूरा कर सकते हो एंड यू डोंट फील टायर्ड इन द सेंस। मैं नियो चलाता हूँ ना इतने से रूट पर ना थोड़ी बॉडी को ऐसा लगता है थकान हो जाती है क्योंकि यू कैन फील में थोड़ा बॉडी रोल है एंड इवेंचुअली वो आपको फील होता है। ऐसा नहीं है कि एक्सयूवी 300 में नहीं है लेकिन बहुत मिनिमम है। इट इज़ वेरी वेल मेंटेन्ड और इस चक्कर में क्या होता है यू एक्चुअली एंजॉय ड्राइविंग दिस व्हीकल नो डाउट अबाउट इट। मतलब अगर रोड मस्का हो ना तो इस गाड़ी को बस एक्सेलरेटर दो और मौज मारो यू डोंट गेट टायर्ड ड्राइविंग दिस व्हीकल। इसका ब्यूटी यही है। दिस इज़ वाई एक्सयूवी सीरीज जो है बीट 700 बीट 300 एंड प्रोबेबली नाउ द 400 मतलब जो ड्राइविंग प्लेजर है इन गाड़ियों में अल्टीमेट है। देर इज़ दिस रीज़न वेरी स्ट्रॉन्ग रीज़न वाई इफ इन फ्यूचर अगर हम लोग स्कॉर्पियन या 700 में कुछ डिसाइड करते हैं लेने के लिए तो जो प्रायोरिटी रहेगी वो शायद 700 की ही रहेगी क्योंकि जो ड्राइविंग प्लेजर है अल्टीमेट। पौने 5 बजने को आए एंड वी आर इनसाइड अडानी पोर्ट। अंदर 5-10 मिनट्स वील बी एट आवर लोकेशन। लोकेशन पहुंच के पता चलेगा भैया सीन सपाटा क्या है।
हम लोग हमारी लोकेशन पे पहुंच गए हैं और देखो सामने अपना कार्गो भी रेडी है। फटाफट ये लोग लैशिंग चोकिंग करते रखते हैं उसको, सो दैट मेजरमेंट लेके फोटोग्राफ्स लेके अपन रवानगी लगाएं। कंटेनर की स्टफिंग हो चुकी है, दो की लैशिंग निपट गई है, एक कंटेनर की स्टफिंग बाकी और इन टोटल तीन कंटेनर की लैशिंग बाकी है। सो होपफुली डिनर फैमिली के साथ कर लेंगे, ज़्यादा लेट नहीं होगा। फिलहाल तो यही सीन है, चाय पानी कर लिया, समोसा भी खा लिया और क्या बोलूँ, विजय को बुला लिया है क्योंकि कार्गो जो है वो ओवर हाइट है एंड फ्रैंकली स्पीकिंग अकेला हाइट लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा चल रही है। टाइम हो रहा है शाम के 7:15 और मोटा मोटा एक घंटे का काम और बाकी है। मैंने मिसेस को बोल दिया डिनर तो भैया साथ में करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिपोर्टिंग वाइज वी आर ऑलमोस्ट रेडी, बस दो कंटेनर का लैशिंग बाकी है, सो वो हो जाए, फोटोग्राफ्स लेंगे और निकल जाएंगे यहाँ से। थैंकफुली काम जल्दी निपट गया, नहीं तो लंबी लंका लगती बॉस, लंबी। रात के 8:30 और अभी तक अपन मुंद्रा से फ्री नहीं हुए हैं, आधा पौना घंटा और लगेगा और भूख भी लग रही है, चाय पानी करने का मन कर रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर अभी निकले तो फिर बाद में। वैसे तो बंदे लोगों ने बोला सर जाइए कोई बात नहीं हम फोटोग्राफ्स शेयर कर देंगे, बट मैंने बोला नहीं यार, जहाँ इतनी देर खड़े रह गए एक कंटेनर की बात है, कम्प्लीट हो काम निपटाएं और फिर घर के लिए निकलेंगे। बस ये कंटेनर बाकी है, इसका एक बार लैशिंग निपटे तो अपन लोग निकले। अपना काम ऑलमोस्ट कंप्लीट, अनदर 5 मिनट्स फोटोग्राफी करेंगे एंड देन वी आर आउट। जल्दी निपट गया, लास्ट टाइम जब आया था शायद 12 या 1 बजे था, अभी टाइम हो रहा है 9:30। फाइनली दिस कंटेनर इज ऑल्सो रेडी, अब निकलते हैं घर के लिए। चांद का व्यू आज इतना प्यारा आ रहा है, आई एम प्रिटी श्योर कैमरा इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। फाइनली निकल चुके हैं घर के लिए, 9:30 बज गए हैं, घर पहुंचते पहुंचते 11:30 में भी आराम आराम से गाड़ी चलाएंगे, थोड़े गाने सुनेंगे या स्टैंड अप कॉमेडी फ़िलहाल सोचा नहीं है। और यार चाय पीने का मन तो कर रहा है लेकिन पता है क्या होगा, बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा एंड आई डोंट इवन नो मेरा रिटर्न का रूट अभी फ़िलहाल कौन सा रहेगा। देख लो फिर से देख लो भाई, चलो जूम करके दिखाते हैं। पौने 10 और हम लोग निकल चुके हैं अपनी वर्क लोकेशन से, होपफुली टाइम से घर पहुंच जाएंगे। पोर्ट के अंदर तो ज़्यादा गाड़ी भगा नहीं सकते, बट यस पोर्ट के बाहर निकल के देखते हैं, सोच रहा हूँ चाय के लिए रुक जाऊँ, देखते हैं क्या होता है। टाइम हो रहा है 11:15 एंड फाइनली वी आर होम, हम खाएंगे गर्मा गर्म स्वादिष्ट खाना। पहला टाइम हो रहा है 12:15, नहाना धोना कर लिया है, मस्त गर्म पानी से फ्रेश हो गए, हाँ करेंगे डिनर, मिलते हैं थोड़ी देर में।